इंट्रोडक्शन और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन तो मेरे ख्याल से प्राय आप लोगों को सबको इसके बारे में मालूम ही होगा, क्योंकि बेसिक चीजें हैं ये कि इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स है कि इनडायरेक्ट टैक्स है। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, जीएसटी वगैरह इनडायरेक्ट टैक्स है। इनकम टैक्स जो है डायरेक्ट टैक्स होता है, इसको डायरेक्ट टैक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि जिस पर्सन पर इसका बर्डन होता है वो खुद ही उसको पे करेगा, वो अपना बर्डन किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता। जीएसटी में तो क्या होता है कि बेचने वाला व्यापारी जो है वो हमारे से ले लेता है, वो फिर गवर्नमेंट को पे करता है, तो डायरेक्ट बर्डन कंज्यूमर पर होता है लेकिन पे कोई और करता है। इनकम टैक्स में तो क्या होता है, जिसके ऊपर बर्डन है उसी को ही पे करना है, वो अपना बर्डन किसी और को, टैक्स का बर्डन किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता, जिसके ऊपर है उसी को ही देना पड़ेगा। ये तो इनकम टैक्स जो है ये एक एनुअल टैक्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको चार्ज करती है, ये जैसे लिखा हुआ है इनकम टैक्स इज एन एनुअल टैक्स दैट इज चार्ज इन द ईच असेसमेंट ईयर ऑन द टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर बाय डिटरमाइंड रेट। अब टोटल इनकम मतलब इनकम हमारी पांच हेड में डिवाइड होती है, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फिर बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस, ये पांच हेड में हमारी इनकम डिवाइड होती है। सैलरी मतलब जैसे एम्प्लॉयज है कहीं भी हम, तो उस वहां पर हमको जो भी रेमुनरेशन मिलता है अपने वर्क के बदले में वो सैलरी की इनकम में आता है। जो लोग हाउस वगैरह मकान वगैरह किराए में दिए हैं तो वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो जाता है, चाहे वो रहने के लिए किराए में दे, चाहे वो ऑफिस के लिए, गोडाउन के लिए, कोई भी पर्पस के लिए। जो लोग बिजनेस करते हैं या प्रोफेशनल है, चाहे डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट, तो ये सब की इनकम बिजनेस प्रोफेशन में आ जाती है। और कैपिटल गेन में कोई अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा है, शेयर बेच रहा है, या कोई सोना चांदी बेच रहा है, तो उससे जो भी प्रॉफिट लॉस होता है वो सब कैपिटल गेन वाले चैप्टर में आ जाता है। और जो इनकम इन चारों हेड में नहीं आता है वो सब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है, पांचवे हेड में। तो टोटल इनकम के पांच ही हेड है, इसके अलावा और कोई हेड नहीं है, टोटल हेड ही पांच है। पांचों हेड की इनकम को जोड़ दो तो क्या कहलाता है, यदि हम पांचों हेड की इनकम को ऐड कर दे तो क्या कहलाता है, वो ग्रॉस टोटल इनकम। हाँ, उसको बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, कि जब हम पांचों हेड की इनकम को ऐड कर दें, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्स, और एक पर्सन को कितने भी हेड से इनकम हो सकती है। मान लो आपने अपना कहीं मकान रेंट पे देके रखा है तो आपका हाउस प्रॉपर्टी का भी इनकम हो सकता है, सैलरी का भी इनकम, यदि कोई प्रॉपर्टी बेचे हैं तो कैपिटल गेन भी हो सकता है, तो पांचों हेड में से कोई भी इनकम हो सकती है। एक तो इनकम के ये पांच हेड है, पांच में से किसी को कोई भी हेड की इनकम हो सकती है, पांचों हेड से भी हो सकती है, दो से भी हो सकती है, तीन से भी हो सकती है, पांचों हेड की इनकम को बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, यदि हम उसको ऐड कर दें तो। मान लो आपका सैलरी के अलावा कोई इनकम नहीं, तो वही आपका ग्रॉस टोटल इनकम हो जाएगा जो सैलरी का इनकम होगा। और कोई हेड की इनकम है तो हर हेड की इनकम पहले सेपरेटली कैलकुलेट की जाती है, उसके बाद उसका टोटल करते हैं, तब वो ग्रॉस टोटल। ग्रॉस टोटल इनकम से टोटल इनकम निकालना हो तो क्या करते हैं कि जो डिडक्शन होती है 80C से लेकर 80U तक, डिडक्शन 80C से लेकर 80U तक का कोई डिडक्शन है, जैसे 80C मतलब कोई LIC प्रीमियम वगैरह, 80G कोई डोनेशन वगैरह, या 80D जैसे कोई हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह, तो बहुत सारी डिडक्शन है। 80C से 80U तक का कोई डिडक्शन किसी के लिए एप्लीकेबल हो रहा है, तो वो डिडक्शन यदि हम माइनस कर दें किसमें से, ग्रॉस टोटल
इनकम में से। तो ग्रॉस टोटल इनकम में से यदि हम डिडक्शन यदि कोई एप्लीकेबल है उसको माइनस कर दें तो आ जाता है टोटल इनकम। अब ये सब तो आप लोग आगे पढ़ेंगे पूरा डिटेल, ग्रॉस टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये तो अभी केवल एक अपन जो पढ़ रहे हैं वो इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। तो ये देखिए टोटल इनकम, ये ग्रॉस टोटल इनकम। अब एटी सी टू एटी यू क्या है वो सब डिटेल आगे है, वो सब अभी नहीं करना है, वो सब आगे पढ़ेंगे पूरा डिटेल, उसका पूरा चैप्टर ये उसका अलग से डिडक्शन। और एक इसमें क्या दिया था कि इनकम टैक्स एक सेंट्रल टैक्स है, इसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। इट इज चार्ज्ड अपॉन टैक्सेबल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर मतलब जिस साल अपन इनकम अर्न करते हैं उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर या फाइनेंशियल ईयर। ये देखिए आगे दिया हुआ है कि प्रीवियस ईयर क्या होता है, ये सब अभी आगे पढ़ोगे आप, ये दिया हुआ है प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर वो होता है जिस साल हम इनकम अर्न करते हैं। तो इनकम टैक्स इज चार्ज अपॉन टैक्सेबल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर। उसके बाद इसमें एक एग्जेम्प्टेड लिमिट होती है, जैसे अभी एग्जेम्प्टेड लिमिट क्या है मालूम है? चौधरी जी अभी एग्जेम्प्टेड लिमिट कितने, मतलब कितने रुपए तक हमको टैक्स नहीं देना पड़ता? 1.5 लाख का सर। 1.5 लाख या 2.5 लाख? वो सॉरी 1.5 लाख तक सर ये छूट मिलता है हमें, और 2.5 लाख के ऊपर मिलता है ये। 2,50,000 रुपए तक हमको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, नहीं देना पड़ता। पर आपको मालूम है जैसा अपन लोग बोलते हैं ना कि 5 लाख रुपए तक की इनकम एग्जेम्प्टेड है, 5 लाख तक टैक्स नहीं देना पड़ता। यदि आपका सैलरी का इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं है तो आपको कोई टैक्स ही नहीं देना पड़ेगा। वो सब अभी आप आगे पढ़ोगे। एक्चुअल में तो 2.5 लाख तक ही हमारी इनकम टैक्स फ्री है, लेकिन 5 लाख से इनकम ज्यादा नहीं होती है तो हमारा जितना टैक्स आता है उसमें हमको रिबेट मिल जाती है, जो अभी आपको आगे बताएंगे इसी चैप्टर में, उसको अपन रिबेट बोलते हैं, तो वो भी मिलेगा। तो अभी आप, आपको यदि कोई एग्जेम्प्टेड लिमिट पूछेगा तो एग्जेम्प्टेड लिमिट जो है वो 2,50,000 है, वो भी अभी पढ़ेंगे अपन। सीनियर सिटीजन के लिए अलग है, आप और हम जैसे नॉर्मल लोगों के लिए अलग है, और सुपर सीनियर के लिए अलग है एग्जेम्प्टेड लिमिट। सीनियर सिटीजन के लिए कितना है? 3 लाख रुपए। एक नॉर्मल पर्सन के लिए 2.5 लाख, आप और हम जैसे लोगों के लिए। सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख तक, और सुपर सीनियर के लिए 5 लाख तक। वो सब चीजें भी इस चैप्टर में आगे आएगी। तो ये था एग्जेम्प्टेड लिमिट। उसके बाद क्या है, इनकम टैक्स इज पेबल बाय एवरी एसएससी। यदि कोई व्यक्ति इनकम कमा रहा है तो उसको टैक्स देना ही पड़ेगा, चाहे वो एसएससी मतलब चाहे वो एक इंडिविजुअल हो आप और हम जैसा, चाहे एचयूएफ यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, चाहे फर्म, फर्म का मतलब होता है पार्टनरशिप फर्म, कंपनी जो टैक्स पे करता है उसको बोलते हैं एसएससी। उसका भी डिटेल अभी आगे दिया हुआ है। इनकम टैक्स इज कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेट्स ऑफ इनकम टैक्स एप्लीकेबल इन करेंट असेसमेंट ईयर। हर साल टैक्स चेंज भी हो सकता है टैक्स के रेट, हालांकि इस साल तो आपके पूरा वही है जो लास्ट असेसमेंट ईयर। अभी अपन लोग असेसमेंट ईयर कौन सा पढ़ रहे हैं? 21-22, 2021-22, प्रीवियस ईयर 2020-21। हो सकता है कि आप लोगों का असेसमेंट ईयर 22-23 भी पूछ सकता है। अभी आप लोगों का असेसमेंट ईयर हो सकता है एग्जाम में 22-23 भी पूछ सकता है, और 21-22 दोनों में से कोई भी असेसमेंट ईयर पूछ सकता है आप लोगों को, 21-22 या 22-23 कोई भी पूछ सकता है। तो 22-23 का पूछेगा तो फिर अभी जो मतलब 22-23 असेसमेंट ईयर यानी कि प्रीवियस ईयर 21-22 में कुछ भी अमेंडमेंट हुए होंगे तो उसको भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा।
बाकी टैक्स के रेट में वैसे कुछ भी चेंजेज नहीं हुआ है 22-23 में भी, और अपन अभी पढ़ रहे हैं असेसमेंट ईयर 21-22 यानी कि प्रीवियस ईयर 20-21। टैक्स के रेट वैसे कोई खास फर्क नहीं पड़े, बस इसमें कुछ कुछ डिडक्शन वगैरह में फर्क पड़ जाता है बिजनेस प्रोफेशन वगैरह में। लास्ट ईयर स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना माइनस करते थे सैलरी में, याद है आप लोगों को? स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले 40,000 था, अब 50,000 हो गया 50,000। तो वो सब चीजें तो खैर अभी आगे पढ़ेंगे अपन। इनकम इज ग्रुप्ड इन वेरियस स्लैब, ये इनकम टैक्स में इनकम को अलग अलग स्लैब में कि भाई 250 तक कोई आपको टैक्स नहीं देना, फिर अगले 250 पे 5%, फिर अगले 5,00,000 पे 20%, इस टाइप से। तो वो टैक्स की स्लैब भी अभी आप ये देखिए, अभी आगे में आपको पढ़ना है, ये देखो इसी में दिया हुआ है, ये इसी में आपका पढ़ेंगे अपन स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद तो ये था आपका इसके कुछ साइलेंट फीचर्स ऑफ इनकम टैक्स। ग्रॉस टोटल इनकम के बारे में बता दिया मैंने कि पांचों हेड का जो टोटल होता है वो ग्रॉस टोटल इनकम होता है, और टोटल इनकम के बारे में कि ग्रॉस टोटल इनकम में से आप डिडक्शन यदि कुछ है 86 से 89 तक का तो वो माइनस कर दो तो टोटल इनकम आ जाता है। ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम में यदि कोई आपको डिफरेंस पूछ दे तो आप क्या बताएंगे कि ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम में क्या डिफरेंस है? तो ग्रॉस टोटल इनकम पांचों हेड का टोटल होता है, जबकि टोटल इनकम जो है वो पांचों हेड के टोटल में से डिडक्शन माइनस करने के बाद कैलकुलेट होता है। दूसरा कि ग्रॉस टोटल इनकम हमेशा टोटल इनकम से ज्यादा रहेगा कि कम, बता सकते हो? ग्रॉस टोटल इनकम, ये जो अपन लिखे ग्रॉस टोटल इनकम, ये टोटल इनकम से ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा ग्रॉस टोटल इनकम? तो ग्रॉस टोटल इनकम हमेशा टोटल इनकम से ज्यादा ही रहेगा। क्यों भाई? आप ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन माइनस करोगे तब टोटल इनकम आता है, तो टोटल इनकम तो उससे कम ही आएगा हमेशा, उससे ज्यादा तो आ ही नहीं सकता ग्रॉस टोटल इनकम से। तो ग्रॉस टोटल इनकम हमेशा ज्यादा रहेगा टोटल इनकम से, और मान लो डिडक्शन नहीं है तो इक्वल भी हो सकता है। तो ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम इक्वल भी हो सकता है, लेकिन कभी भी ग्रॉस टोटल इनकम हमेशा टोटल इनकम से ज्यादा या इक्वल रहेगा, कम नहीं हो सकता। कभी भी ग्रॉस टोटल इनकम से कम हो ही नहीं सकता, इक्वल हो सकता है, बराबर हो सकता है, क्योंकि कोई डिडक्शन नहीं है। मान लो मेरा कोई डिडक्शन ही नहीं है LIC वगैरह भी या कुछ भी नहीं है, तो मेरे को कोई डिडक्शन ही नहीं मिलेगा, तो मेरा ग्रॉस टोटल इनकम ही टोटल इनकम हो जाएगा, उसी पे मेरे को टैक्स देना पड़ेगा। फिर और क्या डिफरेंस है कि ग्रॉस टोटल इनकम को कभी राउंड ऑफ नहीं करते, ग्रॉस टोटल इनकम को कभी भी राउंड ऑफ नहीं करते हैं, लेकिन टोटल इनकम को हमेशा क्या कर दिया जाता है? राउंड ऑफ कर दिया जाता है। टोटल इनकम हमेशा राउंड ऑफ होती है, ग्रॉस टोटल इनकम को कभी राउंड ऑफ नहीं करते। ये राउंड ऑफ मतलब मालूम है किसी को कैसे राउंड ऑफ करना? जैसे मान लो मेरी इनकम है, मैंने अपनी इनकम कैलकुलेट किया और मेरी इनकम आ रही मान लीजिए 4,67,267, ये मेरा टोटल इनकम आया मान लो 4,67,000, इतना लिखा मैंने, ज्यादा लिख दिया 4,67,567, ये मेरा टोटल इनकम आया, तो इसको राउंड ऑफ कर दिया जाता है। तो बता सकते हैं कि राउंड ऑफ करेंगे तो कितना होगा ये 4,67,570?
बाद में चलोगे तो पकड़े जाएंगे। चौधरी जी कुछ बोल रहे थे कि तो टोटल इनकम को हमेशा राउंड ऑफ कर दिया जाता है आखिरी के 10 रुपए, जैसे 67 था तो 70 हो गया। मान लो यहां पर 67 की जगह 65 होता तो भी 70 कर देते, और मान लो 65 की जगह 64 होता है ये लास्ट में, तो अब ये कितना राउंड ऑफ होगा, कितना कर देंगे इसको, तो 5 या 5 से ज्यादा हो तो बढ़ा देते हैं, तो 5 से कम है तो ऊपर का रुपए छोड़ देंगे। तो जैसे ये 4,67,564 है तो ये 60 हो जाएगा, 4,67,560 हो जाएगा। तो टोटल इनकम को इस टाइप से राउंड ऑफ कर दिया जाता है, ग्रॉस टोटल इनकम को कभी भी राउंड ऑफ नहीं करते हैं। उसके बाद यह आ गया आपका असेसमेंट ईयर, सेक्शन 2 सबसेक्शन 9। असेसमेंट ईयर यानी क्या होता है, जिस साल में हम टैक्स पे करते हैं, जिस साल में हम टैक्स पे करते हैं उसी को असेसमेंट ईयर होता है। ये 12 महीने का होता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, 1 अप्रैल से लेकर अगले साल के 31 मार्च तक, उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर पूरे 12 महीने का होता है, जो 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा तो अगले साल के 31 मार्च को खत्म होगा। और इसी असेसमेंट ईयर में हम पिछले साल जो इनकम अर्न की है, कमाई है, उस पर टैक्स पे करते हैं। आप लोगों में मतलब हिंदी मीडियम भी है कि सब इंग्लिश वाले हैं? चौधरी जी आपका कौन सा है, हिंदी मीडियम है कि इंग्लिश है? इंग्लिश है सर। आदित्य जी इंग्लिश सर, इंग्लिश। तो मतलब मेरे पास हिंदी इंग्लिश दोनों के नोट्स हैं, यदि किसी कोई हिंदी मीडियम वाले हो और उनको यदि हिंदी में नोट्स भी चाहिए, हालांकि मैंने ग्रुप में तो आज हिंदी के भी नोट्स को डाला है, तो हिंदी इंग्लिश के दोनों के नोट्स अवेलेबल है, सेम टू सेम वही चीज हिंदी में भी है ट्रांसलेशन। तो असेसमेंट ईयर में जिस साल हम टैक्स पे करते हैं, कौन सी इनकम पे जो हमने उसके जस्ट पहले वाले वर्ष में अर्न किया, और प्रीवियस ईयर मतलब वही हुआ असेसमेंट ईयर के जस्ट पहले वाले, जैसे अभी असेसमेंट ईयर 2021-22 है तो प्रीवियस ईयर हो जाएगा 2020-21। तो प्रीवियस ईयर को फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं, प्रीवियस ईयर को फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं, अकाउंटिंग ईयर भी बोलते हैं। अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर, ये दोनों नाम प्रीवियस ईयर को बोलते हैं। और प्रीवियस ईयर होता क्या है, वो साल वो ईयर जिस साल में हमने इनकम अर्न किए, तो जिस साल हम इनकम अर्न करते वही हमारा प्रीवियस ईयर, और उसके बाद वाला वर्ष होता है असेसमेंट ईयर, जिस साल में हमको टैक्स पे करना पड़ता है। आप बीच में क्वेश्चन भी कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन वगैरह आपको करने हो, कोई चीज डाउटफुल लग रही हो, कुछ पूछना हो तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद है एसएससी। अब आप और हम यदि टैक्स पे करते तो हम एसएससी कहलाएंगे, तो जो टैक्स पे करता है वो एसएससी, चाहे वो एक इंडिविजुअल हो चाहे एचयूएफ हो, एचयूएफ मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, या कोई पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे कोई वो कंपनी हो, या कोई एओपी यानी एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो, या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल यानी व्यक्तियों का संघ हो, कोई भी हो सकते हैं। तो जो भी टैक्स पे करता है वो एसएससी करदाता, हिंदी में उसको बोलते हैं करदाता, कर देने वाला व्यक्ति करदाता एसएससी। तो एसएससी मीन्स एनी पर्सन बाय हुम द टैक्स और पेनल्टी और इंटरेस्ट आर पेबल ऑन हिज और अदर्स इनकम अंडर द एक्ट।
उसके बाद है डिम्ड एसएससी। ये क्या होता है डिम्ड एसएससी? डिम्ड एसएससी मतलब माना हुआ करदाता जो किसी दूसरे के लिए टैक्स पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कोई मान लो एक पागल व्यक्ति है, मेड पर्सन पागल, तो उसका जो केयर टेकर होगा वो उसके लिए डिम्ड एसएससी कराएगा। अब जैसे कोई माइनर बच्चा है, उसकी कोई इनकम हो रही है, तो उसकी इनकम पे टैक्स पे करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? जो उसके पेरेंट्स है। वैसे कोई व्यक्ति मान लो इंडिया के बाहर रहता है और इंडिया में कोई उसका रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो उसके लिए डिम्ड एसएससी कराएगा। तो यहाँ लिखा है व्हेन अ पर्सन इज डिम्ड टू बी एन एसएससी फॉर सम अदर पर्सन ही इज कॉल्ड डिम्ड एसएससी, लाइक इन द केस ऑफ इनकम ऑफ फॉरेनर और माइनर मेड पर्सन, यानी कि कोई पागल व्यक्ति, दे रिप्रेजेंटेटिव इज कंसिडर्ड एज डिम्ड एसएससी। तो कोई पागल है तो उसका कोई केयर टेकर है, कोई फॉरेनर व्यक्ति है तो उसका इंडिया में कोई रिप्रेजेंटेटिव है, या माइनर है तो उसके कोई उनके जो भी पेरेंट्स है या केयर टेकर है वही उनके डिम्ड एसएससी कहलाते हैं। एसएससी इन डिफॉल्ट, अब एसएससी इन डिफॉल्ट कौन होता है? जो किसी की इनकम पे टीडीएस काट कर वो टैक्स गवर्नमेंट को पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल। जैसे मान लीजिए मैं किसी कंपनी में काम करता हूं, तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरी सैलरी पे जितना टैक्स बनता है वो टैक्स काट के गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के सरकारी खजाने में, जिसको अपन बोलते हैं गवर्नमेंट ट्रेजरी, तो ट्रेजरी में जमा कर दे। लेकिन मान लो उसने टीडीएस तो काट दिया लेकिन सरकार के पास जमा नहीं किया, या फिर बिना टीडीएस काटे उसने मेरे को सैलरी पे कर दिया, तो वो एसएससी इन डिफॉल्ट कहलाएगा। चूक में करदाता बोलते उसको हिंदी में, चूक में करदाता एसएससी इन डिफॉल्ट। अब मान लीजिए मेरे पास किसी कंपनी के शेयर्स है या डिबेंचर्स है और उस पर मेरे को कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड मिल रहा है, तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी उस इंटरेस्ट पे या उस शेयर्स पे जो डिविडेंड पे कर रहे हैं या सिक्योरिटी पे जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उस पर टैक्स काट के पे करें। अब उन्होंने मान लो बिना टैक्स काट के मेरे को दे दिया, बिना टीडीएस काटे, तो वो एसएससी डिफॉल्ट कहलाएगा। कौन? वो कंपनी जो पे कर रहा है। और यदि कंपनी ने टीडीएस तो काट लिया लेकिन उसका अमाउंट गवर्नमेंट के पास टैक्स का अमाउंट डिपॉजिट नहीं किया, तो वो एसएससी डिफॉल्ट कहलाएगा। तो एसएससी डिफॉल्ट मतलब कि जो टैक्स टीडीएस काट के टैक्स पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है लेकिन वो ऐसा नहीं करता है, तो वो एसएससी इन डिफॉल्ट होता है। अभी आपको डिस्कनेक्ट होगा ना, तो वापस उसको ज्वाइन कर लेंगे अपन। एसएससी इन डिफॉल्ट हो गया। इसके बाद पर्सन सेक्शन 2 सबसेक्शन 31। पर्सन मतलब खाली आप और हमारे जैसे लोग ही पर्सन नहीं बोलते, इनकम टैक्स में पर्सन में सभी आ जाते हैं, चाहे वो एक इंडिविजुअल हो, आप और हम जैसा व्यक्ति इंडिविजुअल कहलाएगा। एचयूएफ हिंदू अनडिविडेंड फैमिली, कोई कंपनी, कोई फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल यानी व्यक्तियों का कोई समूह है, लोकल अथॉरिटी जैसे म्यूनिसिपैलिटी वगैरह, एवरी आर्टिफिशियल पर्सन मतलब कंपनी वगैरह जो होते हैं वो आर्टिफिशियल पर्सन कहलाते हैं, तो वो सब एक पर्सन के डेफिनेशन में आते हैं। तो पर्सन मतलब खाली इंडिविजुअल ही नहीं होता, पर्सन में सभी मतलब जो टैक्स भरने वाले पे करने वाले लोग होते हैं, चाहे वो फर्म हो या कंपनी हो, चाहे एचयूएफ हो, चाहे इंडिविजुअल हो, कोई भी हो, वो सब एक पर्सन, जिसको अपन एसएससी भी बोलते हैं, करदाता।
तो पर्सन एससी से तो वो होता है जो टैक्स देता है, और पर्सन में तो वो सभी लोग आ जाएंगे, चाहे वो टैक्स पे कर रहा हो या नहीं पे कर रहा हो, लेकिन आएंगे सब वही लोग पर्सन में भी, जो इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, कंपनी है, फर्म है, एक लोकल अथॉरिटी है, लोकल अथॉरिटी मतलब म्यूनसिपलिटी, कंपनी, फर्म, ये कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन, लोगों का जो एक संघ होता है, कोई ग्रुप बना के, एक कैमरा, तो ये था आपका पर्सन। अब इसके बाद रेट ऑफ टैक्स अपन करते हैं, एक बार वापस ज्वाइन कर लेते हैं।